हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे जो हमारा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री सीरीज चल रहा था वैदिक एज, जहाँ पे हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड को हमने पिछले वीडियो में खत्म किया था। इस वीडियो में पढ़ेंगे लेटर वैदिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1000 BC से 500 BC तक इसका एक्सटेंशन रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देयर वॉज अ ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन ईस्ट वर्ड डायरेक्शन। तो हुआ क्या था, पहले इंडस वैली जहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन था वहाँ पे आर्यंस आते हैं ऋग वैदिक के टाइम में, और फिर ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं गंगा यमुना प्लेन की तरफ। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ उनका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, पंजाब टू साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश इन द गंगा यमुना दुआब, जो गंगा यमुना दुआब वाला एरिया है वहाँ पे आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब से, इंक्लूडिंग कोसाला एंड विदिहा ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में कोसाला विदिहा तक आर्यंस एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, द लेटर वैदिक टेक्स्ट स्पीक अबाउट द रीजन ऑफ कुरु पंचाला। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है, किताबें हैं, वह उसमें जिक्र किया गया है कुरु पंचाला रीजन का, विच फॉल्स इन द इंडो गैंगटिक डिवाइड एंड अपर गंगा वैली एलॉन्ग विथ मेंशन ऑफ सरस्वती एंड दृतवती रिवर्स एंड ट्राइब्स ऑफ कुरु पंचाला वसास एंड उसी नाराज। तो ये सब कुछ ट्राइब्स का भी मेंशन किया गया है लेटर वैदिक टेक्स्ट में। तो लेटर वैदिक लाइफ, अगर हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें लेटर वैदिक एज में, तो यहाँ पे क्या हुआ था, टाइनी ट्राइबल सेटलमेंट ऑफ द वैदिक पीरियड वाज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर किंगडम। तो यहाँ पे किंगडम का कंसेप्ट निकल के आने लगा था। तो इनिशियली जो स्ट्रॉन्गर टाइनी छोटे ट्राइबल सेटलमेंट हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे क्या है, स्ट्रॉन्गर किंगडम्स बनने लगे थे। द टेरिटोरियल फॉर्मेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ लीनियजेस बिकम स्ट्रॉन्गर। जो एक टेरिटरी का फॉर्मेशन होने लगा था कि एक रीजन होगा, पूरा एरिया होगा, स्ट्रॉन्ग किंगडम्स बनेगा। ठीक है, द वर्ड राष्ट्र फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। तो लेटर वैदिक एज में ही जो शब्द राष्ट्र है वो निकल कर आता है। एंड देर द वार्स वेयर नो लॉन्गर फाउट फॉर काउस बॉट फॉर टेरिटरीज। अब जो लड़ाइयाँ होती थी वो काउ के लिए नहीं होती थी, बट जबकि टेरिटरीज जमीन के लिए होने लगी थी। द किंग्स वॉज एड्रेस्ड बाई डिफरेंट नेम्स अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। अलग अलग एरियाज में राजा का अलग अलग नाम था, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थन रीजन में नाम था विराट, ईस्टर्न रीजन में नाम था सम्राट, वेस्टर्न में सोरत एंड साउदर्न रीजन में भोज। ठीक है, द किंग वॉज यूजअली ए क्षत्रिय एंड ऑफिस ऑफ मोनार्क वॉज मेड हेरिडेटरी। किंग कौन थे, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग कर रहे थे, और मोनार्क का ऑफिस वंशवाद, मोनार्क के ऑफिस क्रिएट हो गया, वो क्या हो गया, हेरिडेटरी हो गया। ठीक है, द किंग ऑल्सो कंट्रोल द सोशल ऑर्डर। जो सोशल ऑर्डर था किंग उसको भी कंट्रोल के अंदर, उसके अंदर में था। ठीक है, द किंग इन्फ्लुएंस वॉज फर्दर स्ट्रेंथन बाई रिचुअल इनैक्टमेंट्स। और जो किंग का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, उसकी पोजिशन थी राजा की, उसको और स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया बाई रिचुअल इनैक्टमेंट्स, जैसे कि राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ। तो इन यज्ञों के द्वारा राजा का जो इन्फ्लुएंस था उसको बढ़ाया गया ड्यू टू इंक्रीजिंग रिचुअल रोल ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, स्लोली द एज ऑफ जनाज वॉज बिंग रिप्लेस्ड बाई जनपद। धीरे धीरे जो जन का एज था वो क्या हो गया, जनपद बनने लगा। ठीक है, किंग बिकेम मोर पावरफुल, सो पावर ऑफ पावरफुल हो गया, सो पावर ऑफ सभा एंड समिति रिड्यूस्ड। तो सभा और समिति का जो पावर था ना वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो राजा है वो पावरफुल होने लगे थे। एंड विधाता गेट कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड। जो विधाता था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में, तो वो कम्प्लीटली क्या हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया, गायब हो गया। इवन इन लेटर वैदिक पीरियड द किंग डिड नॉट पजेस अ स्टैंडिंग आर्मी। और लेटर वैदिक पीरियड में भी राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट नहीं था। एंड ट्राइबल यूनिट्स वेयर मस्टर्ड इन टाइम्स ऑफ वार, मतलब उसका यूज़ किया गया ट्राइबल लोगों का वार के टाइम में। ठीक, तो ये आपका पोलिटिकल लाइफ हो गया इन लेटर वैदिक टेक्स्ट टाइम। अगर बात करें सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ द लेटर वैदिक फैमिली बिकेम लार्ज इनफ टू बी कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली। जो लेटर वैदिक फैमिली वो क्या हो गया, और बड़ा हो गया, जिससे ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट और अच्छे से मजबूत हो गया। विद थ्री और फोर जनरेशन लिविंग टुगेदर, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन से चार जनरेशन के लोग साथ रहते थे। ठीक है, द कॉमनल, ठीक है, जो कॉमनल हर्थ मिला है कहाँ पे, डिस्कवर्ड एट अतरंजी खेरा एंड अचित्र। ये रिवील करता है कि यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट था। ठीक है, इन द फैमिली पैट्रीनोमियल दैट इज अथॉरिटी ऑफ फादर सिस्टम डेवलप्ड। तो पैट्रियार्कल सिस्टम डेवलप हो चुका था यहाँ पे। एंड वेमेन वेयर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड कोर्स
एंड सबॉर्डिनेट पोजीशन, जो महिलाओं का पोजीशन था वो गिर चुका था, अब वो सिर्फ घर का काम काज देखती थी, एंड सबॉर्डिनेट पोजीशन, सबॉर्डिनेट पोजीशन पे, ठीक है। द कंडीशन ऑफ वुमेन डिग्रेडेड एज कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट दे वेर नॉट अलाउड टू अटेंड असेंबलीज। जाहिर सी बात है महिलाओं का जो पोजीशन था वो डिग्रेड हो चुका था। जानकारी ये कैसे पता चला, क्योंकि जो असेंबलीज में अब भाग नहीं ले पा रही थी, जबकि अर्ली वैदिक टाइम में, ऋग वैदिक टाइम में महिलाओं का अच्छा खासा पोजीशन था, वो सभा और समिति में उनका भाग लेती थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया था। वेमेन वेर कंपेयर्ड टू वाइन एंड डाइस, कंपेयर किया गया वाइन और डाइस से। एंड डॉटर हैज़ बीन सेड टू बी सोर्स ऑफ ऑल सॉरो, तो सभी दुखों का सोर्स किसे कहा गया, डॉटर को कहा गया। रेयर इंस्टांसेस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज वेर ऑल्सो सीन, तो कभी कहीं कहीं पे सती और चाइल्ड मैरिज के भी इंस्टांसेस वो भी देखने को मिला। देर वॉज राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल डिफ्रेंशिएशन, तो राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम और जाके यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। वो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर वर्णास, तो चार वर्णास में सोसाइटी डिवाइड हो गया, ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। द अपर थ्री क्लासेस वेर नोन एज द्विज, जो अपर थ्री क्लासेस था उसे कहा गया द्विज, ट्वाइस बॉर्न, ठीक है। और एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द शूद्रास एंड चंडाल्स, और शूद्रास और चंडाल्स के अगेंस्ट क्या बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। एजुकेशन वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द्विजा कास्ट, जो द्विज कास्ट होते थे उनको आपका उन पर सिर्फ सीमित था एजुकेशन, द्विज कास्ट कहा गया। द्विजा जो कि ट्वाइस बॉर्न, दो बार जिनका जन्म होता है, मतलब एक बार जब जन्म होता है तब, एक बार फिर जब उसका जनऊ होता है अभी उपनयन संस्कार, तो उस टाइम दोबारा जन्म होता है, इसे कहा जाता है। तो सिर्फ एजुकेशन इनके लिए ही सीमित था, बाकी शूद्र और चंडाल्स जो कि लोअर कास्ट के थे, तो इन्हें एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं था उस टाइम लेटर वैदिक टेस्ट में, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोथ एपियर्ड इन द लेटर वैदिक कल्चर, तो लेटर वैदिक कल्चर में ही गोत्र स्टार्ट होता है, गोत्र का कंसेप्ट। मैरिज बिटवीन पर्सन ऑफ सेम गोत्र वॉज फॉर्मिटेड, तो सेम गोत्र के बीच में जो शादी उसको फॉर्बिड किया गया, मना किया गया, ठीक है, नहीं करना है। कास्ट एक्सोगैमी वॉज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड एंड रिजिड सोशल हायरार्की डेवलप्ड, जो कास्ट एक्सोगैमी था, कास्टेस बहुत बढ़ चुका था यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लेटर वैदिक एज इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, पास्टोरलिज्म, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी ऑफ डेवलप, इकोनॉमी एंड डेवलप, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो जो आर्थिक विकास हो रहा था वो हो रहा था एग्रीकल्चर, खेती के कारण, पास्टोरलिज्म अभी भी चल रहा था कहीं कहीं, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। प्रीडोमिनेटली पास्टोरल सोसाइटी ऑफ अर्ली वैदिक एज बिकम्स एग्रीकल्चर, जो अर्ली वैदिक में जो पास्टोरल सोसाइटी था वो क्या हो गया था, अर्ली वैदिक एज वो आपका एग्रीकल्चर अपना चुका था। द लैंड वॉज स्टिल कॉमनली ऑन बाई ओवर विच हैड मैनी पार्टिसिपेटेड राइट्स, जो लैंड था अभी भी क्या था, कॉमनली ऑन किया जा रहा था, कॉमनली एक पूरा कम्युनिटी उसको ऑन कर रही थी, विच जो क्लैन है, वंश है, उस पर बहुत उसका अधिकार है। हाउ एवर लेटर ऑन इट वॉज री रिकोगनाइज एज द प्रॉपर्टी ऑफ हेड द हाउस होल्ड नोन एज ग्रहपति, हालांकि बाद में इसे रिकोगनाइज किया गया, ग्रहपति को दे दिया गया कि पूरा जमीन उन्हीं का है। राइस जिसे कहा गया व्रीही एंड वीट गोधूम बिकम स्टेपल डाइट अपार्ट फ्रॉम बार्ली, तो बार्ली के साथ साथ राइस जिसे एंशियंट टर्म है व्रीही, याद रखिएगा, वीट गोधूमा वो स्टेपल डाइट बन गया। पीपल ने ऑल्सो बिगन टू ग्रो, क्या ग्रो करना स्टार्ट किया, पल्सेस, लेंटिल्स, मिलेट्स एंड शुगर केन। द सोसाइटी वॉज लार्जली रूरल, जो समाज था वो रूरल था। एंड टुवार्ड द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के एंड तक अर्बनाइजेशन बिगेन टू डेवलप, धीरे धीरे शहरीकरण डेवलप होने लगा था इसके अंत तक। यूज ऑफ आयरन लेड टू एक्सपेंशन ऑफ आयरन कल्चर, आयरन कल्चर का एक्सपेंशन हुआ तो बहुत बड़ा रोल था इसका, क्या आयरन का होना। आयरन वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1000 BC एंड इज रिफर्ड टू एज श्यामा कृष्ण आयास, ठीक है, ये लगभग 1000 BC में इंट्रोड्यूस होता है, और इसे क्या रिफर किया गया, श्यामा और कृष्णा अयास। अगर बात करें लेटर वैदिक एज में पॉटरी की, तो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी हमें मिला है, रेड वेयर में मिला है, ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक स्क्रिप्ट वेयर पॉटरी मिला है, ठीक है। टिन, लीड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेयर नोन टू द लेटर वैदिक पीपल, तो लेटर वैदिक लोगों को इसकी जानकारी थी, टिन, लीड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड कॉपर की। पीपल हैड नॉलेज ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में नॉलेज है इनके पास। श्रेष्ठी इंडिकेट द गिल्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, श्रेष्ठी क्या इंडिकेट कर रहा था, गिल्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, एक मर्चेंट का जो व्यापारी होंगे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, गिल्ड होगा, ग्रुपिंग होगी, उसे कहा गया श्रेष्ठी, क्या कहा गया, श्रेष्ठी कहा गया।
एक्सचेंज वॉज स्टिल बाटर, जो एक्सचेंज हो रहा था अभी भी बाटर सिस्टम था, बट निष्का वॉज यूज एज द कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो निष्का जो कॉइन था गोल्ड कॉइन वो अभी भी यूज़ हो रहा था। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट वॉज मेड मैंडेटरी, जो कलेक्शन ऑफ टैक्स का कलेक्ट करना और ट्रिब्यूट का देना वो ऋग वैदिक टाइम में वॉलंट्री था, इच्छानुसार था, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी बना दिया गया, कंपल्सरी बना दिया गया। एंड वेयर डन बाई संग्रह, ठीक है, डन किया ऐसे किसे किसके द्वारा किया गया, किया गया संग्रहत्री के द्वारा। ठीक है, वैश्यस वैश्यस अपीयर्स टू बी ओनली ट्रिब्यूट पेयर्स इन लेटर वैदिक टाइम, जो लेटर वैदिक टाइम में जो ट्रिब्यूट पेयर्स कौन बच गया आपका, जो वैश्यस थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो सिर्फ पैसा या टैक्स पे करते थे। दिस फेज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन लाइक कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, डिफरेंट टाइप ऑफ गिल्ड्स। तो ये सब अलग अलग ऑक्यूपेशन उभर के आता है कब, लेटर वैदिक टाइम में। अगर हम लेटर वैदिक एज का रिलीजन देखें, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग वैदिक गॉड्स इंद्र एंड अग्नि, जो ऋग वैदिक गॉड्स थे, लॉस्ट इन इंपॉर्टेंस, अपना इंपॉर्टेंस खो देते हैं। ठीक है, प्रजापति द क्रिएटर बिकम सुप्रीम, और जो इस केस में प्रजापति द क्रिएटर वो क्या हो गया, सुप्रीम हो गया। सम ऑफ द माइनर गॉड्स जैसे कि विष्णु प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स बिकम प्रोमिनेंट, तो विष्णु और रुद्र का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया इन लेटर वैदिक टेक्स्ट। पुषाण हु वाज सपोज टू लुक आफ्टर कैटल बिकेम गॉड ऑफ सूत्रास, पुषाण जिसे माना जा रहा था कि कैटल की देखभाल करते हैं, अब क्या हो गया, ये सूत्रास के गॉड हो गए। आइडोलेट्री अपियर्स इन द लेटर वैदिक फेज, लेटर वैदिक फेज में आइडोलेट्री अपेयर होता है, मूर्ति पूजा, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किया गया, ठीक है, एट लार्ज लेवल पर, बड़े स्तर पर। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यज्ञ विच जनरली इन्वॉल्व किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल वर परफॉर्म्ड, तो यज्ञ बहुत सारे होने लगे जहाँ पे किलिंग ऑफ एनिमल्स सेक्रीफाइस देने मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, तो ये था आपका सारा कहानी लेटर वैदिक एज का। अब देखते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एज, दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक एज था, ऋग वैदिक एज था, और 1000 से 500 बीसी के बीच में लेटर वैदिक एज था। एरिया ऑक्यूपाइड की बात करें तो एरिया द कोर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऋग वैदिक टेक्स्ट करस्पॉन्ड्स टू ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी का आता है आपका ऋग वैदिक टाइम। अगर हम बात करें लेटर वैदिक एज में तो कुरु पंचाला रीजन विच कंप्राइज द इंडो गैंगटिक डिवाइड एंड अपर गंगा वैली, अपर गंगा वैली एंड इंडो गैंगटिक डिवाइड, ये आपका आता है। पॉलिटिकल स्फेयर की अगर बात करें, पॉलिटिकल स्फेयर की बात करें तो हेरिडिट्री किंगशिप वॉज नॉट प्रजेंट, हेरिडिट्री किंगशिप प्रजेंट नहीं था। द चीफ नोन एज राजन और गोपति हैव टू बी सिलेक्टेड अमंग द क्लैन मेंबर्स, जो चीफ जिसे कहा गया राजन या गोपति वो क्लैन के मेंबर्स के बीच में ही सिलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, सभा समिति एंड विधाता वेर द ट्राइबल असेंबलीज, ये ट्राइबल असेंबलीज थी ऋग वैदिक के टाइम में, सभा समिति और विधाता विच हेल्प द किंग इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो किंग को क्या करती थी, हेल्प करती थी इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। द अमाउंट ऑफ पावर दैट किंग पजस्ड वॉज लिमिटेड, जो पावर यूज किया गया वो काफ़ी लिमिटेड था। टैक्स नोन एज बली वॉज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं किया गया, इट इज वॉज वॉलेंट्री इन नेचर, क्या था, वॉलेंट्री इन नेचर था। इट वॉज द एज ऑफ जना, जना का एज था। वार्स वेयर फाउट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कैटल्स काउ, जो लड़ाइयाँ होती थी इस टाइम वो काउ के लिए होती थी। ठीक है, अगर पॉलिटिकल स्फीयर बात करें लेटर वैदिक एज में तो क्या 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 हुआ यहाँ पे, हेरिडिट्री किंगशिप अपीयर्ड, अब वंशवाद स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, द आइडिया ऑफ डिवाइन किंगशिप, मतलब जो राजा होगा वो भगवान का रूप है, इस तरह का कंसेप्ट निकलने लगा था। ऑल्सो मोस्ट वे किंग्स वेयर ट्रीटेड लाइक गॉड, वो गॉड गॉड की तरह भगवान की तरह ट्रीटमेंट मिलने लगा था राजा को। विधाता गेट डिसअपीयर्ड, जो विधाता एक ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया, एंड दिस ट्राइबल असेंबलीज बिकम सब ऑर्डिनेट टू किंग, और की जो ट्राइबल असेंबली है सभा और समिति वो किंग के सब ऑर्डिनेट हो गए, नीचे काम करने लगी। टैक्सेशन सिस्टम डेवलप्ड, ठीक है, टैक्स लगाने का सिस्टम डेवलप हो गया। बली वॉज फिक्स्ड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का 1/6 मिलने लगा, तो बली फिक्स कर दिया गया। यहाँ पे क्या था, बली ये आपका वॉलंटरी था, अपने इच्छानुसार देना था। अब ये जनपद का एज बन चुका था। वार्स वेयर फाउट फॉर ऑक्यूपाइंग टेरिटरीज, द वर्ड राष्ट्र अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार राष्ट्र शब्द आता है, और अभी जो लड़ाई होती थी वो टेरिटरीज के लिए होती थी, जमीन के लिए होती थी। ठीक है, अगर हम बात करें सोशल स्फेयर में तो महिलाओं की कंडीशन के बारे में बात करें तो वेमेन इंजॉयड इक्वल राइट्स एंड यूज टू पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति, तो अर्ली वैदिक टाइम में जो महिलाएं थी वो इक्वल राइट्स इंजॉय कर रही थी और सभा और समिति में भाग भी ले रही थी। वेमेन रिसीव्ड एजुकेशन एंड हैड राइट टू चूज देयर हस्बैंड, महिलाएं को शिक्षा भी मिल रहा था
और उनके पास अधिकार था कि अपने पति का चुनाव कर सकती थी। चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम वाज एब्सेंट, वो नहीं था। विडो री मैरिज वाज प्रेविलेंट, विडो री मैरिज क्या था, प्रेविलेंट था। लेकिन अगर यहाँ भी बात करें तो वेमेन लॉस्ट देयर एक्सेस टू सभा एंड समिति, सभा और समिति का जो एक्सेस था वो खत्म हो गया। डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वेमेन, महिलाओं का स्टेटस दर्जा वो कम हो चुका था। एजुकेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड फॉर वेमेन, महिलाओं के लिए जो एजुकेशन था वो रिस्ट्रिक्टेड था, वो नहीं ले पा रही थी। एंड ओनली फ्यू गॉट एक्सेस टू एजुकेशन एंड राइट टू चूज हस्बैंड रिस्ट्रिक्टेड, मतलब सिर्फ कुछ महिलाओं को मिला एजुकेशन का राइट्स, और हस्बैंड चुनने का जो अधिकार था वो भी खत्म हो चुका था इस टाइम में। देर वेर रेयर इंस्टांसेस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज, सती और चाइल्ड मैरिज का भी कुछ एग्जाम्पल्स मिला है, ठीक है। वीडियो री मैरिज वॉज एबसेंट, वीडियो री मैरिज का क्या था, एबसेंट था टोटली। अगर बात करें सोसाइटी की तो यहाँ पे क्या था, इगैलिटेरियन इन नेचर था, ठीक है। एंड सोशल मोबिलिटी वॉज प्रेजेंट, एक सोशल मोबिलिटी था, कह सकते हैं कि इगैलिटेरियन था, पूरी तरीके से नहीं था लेकिन फिर भी सब बराबर थे। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड ऑन द कास्ट लाइन्स, कास्ट लाइन में बटा हुआ नहीं था कुछ भी। एंड ऑक्यूपेशन वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक। अगर बात करें लेटर वैदिक एज में तो ये था आपका सोसाइटी नॉन इगैलिटेरियन इन नेचर, सोसाइटी गॉट डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स, कास्ट लाइन में बटा हुआ था। एंड ऑक्यूपेशन बिकम बेस्ड ऑन बर्थ, और जो ऑक्यूपेशन था ना वो जन्म के आधार पर फिक्स कर दिया गया। अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें ऋग वैदिक एज में तो मेनली डिपेंडेंट ऑन पास्टोरल इकोनॉमी सप्लीमेंटेड बाई एग्रीकल्चर, तो ऋग वैदिक एज में जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था आपका पास्टोरल इकोनॉमी था, और इसे थोड़ा बहुत सप्लीमेंट किया गया, सपोर्ट किया गया एग्रीकल्चर के द्वारा। बार्ली वीड्स एंड एडेबल नट्स वेर डोमिनेंट क्रॉप्स, तो क्या उगाया गया, बार्ली वीड्स एंड एडेबल नट्स उगाया गया, ठीक है। ऋग वैदिक पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन, आयरन का कोई नॉलेज इनके पास नहीं था, दो दे न्यू अबाउट मेटल के बारे में जानकारी थी लेकिन आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। कॉल्ड आयास विच कुड बी कॉपर और ब्रॉन्ज, देर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यूज ऑफ पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी, पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी का ये यूज करते थे। अगर बात करें लेटर वैदिक एज में तो एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन, चीफ ऑक्यूपेशन क्या बन गया, एग्रीकल्चर बन गया, सप्लीमेंटेड बाई एग्रीकल्चर ऑफ अदर ग्रेन्स जैसे कि राइस, ठीक है। एग्रीकल्चर बिकम द चीफ ऑक्यूपेशन सप्लीमेंटेड बाई, यहाँ पे होगा आपका पास्टोरल एक्टिविटीज, अब इसे उल्टा हो गया पोजीशन, ठीक है। अदर ग्रेन्स जैसे कि राइस वीट सुगर केन वेर ग्रोन अलॉन्ग विथ बार्ली, तो बार्ले के साथ इसे ग्रोन किया गया। द यूज ऑफ आयरन बिगेन विच वॉज कॉल्ड कृष्णा आयास, तो आयरन का यूज़ यहाँ पे होने लगा था जिसे कहा गया कृष्णा आयास, एंड इट लेड टू एक्सपेंशन ऑफ द आयरन कल्चर, इसे क्या हुआ, आयरन कल्चर का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। द लेटर वैदिक फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयरन फेज कल्चर, इसे कहा गया आयरन फेज कल्चर भी कहा गया, और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी इमर्ज होता है, ठीक है। अगर बात करें रिलीजियस स्फेयर में तो ऋग वैदिक टाइम में ना देर वॉज नो टेम्पल एज आइडल वर्शिप, ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड कोई टेम्पल नहीं था, ठीक है। पीपल यूज टू वर्शिप नेचुरल फोर्सेस, कोई आइडल वर्शिप नहीं था यहाँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पीपल यूज वर्शिप नेचुरल फोर्सेस जैसे कि अग्नि वरुण, तो नेचुरल फोर्सेस की लोग पूजा किया करते थे। रिचुअल एंड सैक्रीफाइसेस वेर नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, जो रिचुअल हो गया, रीति रिवाज, बलिदान, सैक्रीफाइसेस, ये सब क्या है, बहुत सिग्निफिकेंस नहीं था। लेकिन जब टाइम आगे बढ़ा, लेटर वैदिक टाइम में आया, तो यहाँ पे आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा और टेम्पल बिगेन टू इमर्ज इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो ये इमर्ज होता है आइडल वर्शिप और टेम्पल इमर्ज होता है, ठीक है। माइनर गॉड्स लाइक रुद्र एंड विष्णु बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, जो माइनर गॉड्स थे रुद्र और विष्णु इस टाइम में, ऋग वैदिक टाइम में, अब कहीं जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। प्रिस्टली डोमिनेशन एंड रिलीजियस डोगमास बिकम डोमिनेंट, जो प्रिस्टली डोमिनेशन था और रिलीजियस डोगमास था, जो रिलीजियस रिचुअल्स थे, सेक्रीफाइसेस थे, वो इंपॉर्टेंट हो गया, डोमिनेट करने लगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट हो गए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गव्युति, ये गव्युति इसका मतलब क्या हो गया, मेजर ऑफ डिस्टेंस, तो याद रखिएगा गव्युति क्या है, मेजर ऑफ डिस्टेंस है। फिर आता है आपका दोहिता, मतलब डॉटर हु मिल्क काउस, ठीक है, जो काउ की मिल्किंग करती है डॉटर, उसका आगे दोहिता। विश, विश क्या हो गया, क्लैन। गना मतलब लीनियज, लीनियज हो गया। फिर हो गया गोजित, मतलब विनर्स ऑफ गोजित, गो जीतने वाला, विनर्स ऑफ काउस। वप मतलब टू साउ, टू सो। आपका श्रीनी मतलब सिकल। उर्वर मतलब फर्टाइल लैंड, उर्वर, ठीक है। गृहता मतलब बटर। गोहाना मतलब गेस्ट,
सिरी मतलब यार्न, तक्षक मतलब कारपेंटर, रीत मतलब रिप्रेजेंट कॉस्मिक एंड मोरल ऑर्डर, वरुण इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द रीत। तो रीत के गार्डियन कौन होंगे? वरुण होंगे, ठीक है। धर्मा, इट वॉज द कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। तो कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस और अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करना कहा गया, जो आपका कर्म है कर्म कीजिए, यही आपका धर्म है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देन मेंशंस, जैसे कि फोर आश्रम, फोर आश्रम कहाँ पे आपका? ज्वाला उपनिषद में मेंशन है। सभा एंड समिति एज ट्विन डॉटर ऑफ प्रजापति, तो प्रजापति के दो बेटी सभा एंड समिति, ये आपका अथर्ववेद में मेंशन है। वासुदेव कुटुंबकम, ये आपका लिया गया है महा उपनिषद से। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति, ये लिया गया है मैत्रयानी उपनिषद से। मेंशन ऑफ ग्रेट फ्लड, शतपथ ब्राह्मण से। मेंशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी, शतपथ ब्राह्मण। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऋग्वेद 10th मंडल में है, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। रिवर्स एंड मॉडर्न डे, जैसे कि अस्कनी रिवर, तो ये उस टाइम की नदी, नाम लिखा हुआ है ऋग्वेदिक में, इसका प्रेजेंट नेम क्या है? चिनाव। विपासा मतलब ब्यास, परुष्णी मतलब रावी, वित्यस्ता मतलब झेलम, कुभा मतलब काबुल, क्रोमु मतलब कुर्रम, गोमती मतलब गोमल, सुवस्तु स्वात, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज एंड दृष्ट वटी घाघर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है वैदिक एज। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से आगे टॉपिक देखेंगे महाजनपद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।